हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दलर्ट क्लासेज तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास नाइन्थ की साइंस की बुक का चैप्टर सिक्स जो कि आपको बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू और ये आपको बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है अभी तक हमने इसके थ्री लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाके देख लीजिएगा या आप बाद में जाके देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं अब जो डिस्कशन होगा वो एनिमल टिश्यू के बारे में होगा होगा ओके एनिमल टिश्यू तो एनिमल टिश्यू आपके कितने टाइप के होते हैं एपीथीलियल टिश्यू होता है एक एक आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू एपीथीलियल टिश्यू में आपका स्क्वेमस ट्यूबोडल कॉलर या सीडियटेडर ओके कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड हो गया बॉन हो गई आर्टलेज हो गई एडिपोज हो गए और एरियोलर हो ओके ब्लड okay? के अंदर जो होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं ब्लड प्लाज्मा आर बी सी डब्लू बी सी प्लेटलेट्स ओके अब मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं स्ट्रेटेड वॉल्यूट वॉल्यूनट्री अनस्ट्रेटेड इन कार्डे इनवॉल्यून टू थी। ठीक है टिश्यू नर्वस टिश्यू में आपके तो टिश्यू के टाइप है तो आप एक बार इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा क्योंकि फिर बाद में ये डिवाइड होते चले जाते हैं तो दिक्कत आती अब हम बात करेंगे एपिथीनियल टिश्यू के बारे में ठीक है एपिथीनियल टिश्यू क्या है ऑलवेज ग्रो ऑन समर टाइप ऑफ टिश्यू ठीक है ये ग्रो करता है अदर टाइप ऑफ टिश्यूज सेल ऑफ आर वेरी क्लोज अदर एंड द टिश्यू रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ये एक तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह लगता है ठीक है तो इसके जो टाइप है वो आप देख रहे हैं सिंपल स्पेमस है सिंपल क्यूबोडल है सिंपल कॉलनर है ठीक है या आपका ट्रांशनल है ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल है और ये आपका स्ट्रेटिफाइड स्टेमस है तो ये जो है ये चपटे होते हैं टिश्यू मतलब फ्लैट होते हैं जैसे कि टाइल्स हमने लगा दिए हों तो ये जितने भी होंगे ये इसी तरीके से होते हैं ओकी कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल ये जो होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है ब्लड वेसल्स आर एबसेंट इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो एबसेंट होती है नॉन नर्वस इन नेचर इनका जो नेचर होता है वो नॉन नर्वस होता है इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइन्स द केविटीज ऑफ ओलो ऑर्गन लाइक स्टोमक अब जितने भी ऑर्गन होते हैं वो लाइन्स होती, होती है उनकी जो कैिटी ऑफ कैिटी होती है ओलो ऑर्गन्स की ओलो यानी कि खोखले ऑर्गन की जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोमक हो गया स्टोमक जो होता है हमारा ओलो ऑर्गन होता है ठीक है यानी कि हॉलो जैसे कि एक पाइप है तो पाइप जो होता है वो हॉलो होता है ओके okay? तो उस तरीके से जो अंदर से खाली हो उसे हम हॉलो बोलते हैं तो स्टोमक जो है अंदर से खाली है तो ये जो कवर होता है स्टोमक और हॉलो ऑर्गन्स ऑर्गन्स एंड लाइंस एंड कैविटी ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टोमक ये सब इससे कवर होते हैं इट इज़ प्राइमरी प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन इसका पहला फंक्शन क्या है कि ये चीजों को प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू का जो प्राइमरी फंक्शन है कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है कि इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है अगर हमें अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कराना है ओलो ऑर्गन्स को तो वो प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा एपीथीलियल टिश्यू ओके एपीथिलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड एज ए सिंपल ए स्क्वेमस एपिथीलियम ठीक है तो हम ए स्क्वेमस एपिथीलियम के बारे में बात करेंगे ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथीलियम या आपकी पेवमेंट एपिथीलियम है सेल्स अरेज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर अब इसमें जो सेल्स अरेज होती हैं वो एंड टू एंड होती हैं मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपने एक रूम में टाइल्स लगवाए तो एक एंड से दूसरे एंड तक सारे टाइल्स की फ्लोरिंग होगी ओके तो वो जो होते, है इसका जो अरेंजमेंट होता है बिल्कुल टाइल्स की तरह होता है सेल आर पॉलीगोनल पौ, इन सरफेस व्यू इसको जब आप देखेंगे तो आपको इसका जो सरफेस व्यू नजर आएगा वो पॉलीगोनल आएंगे इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज माउथ ईसोफेगस नोस पेरिकार्डियम एलवीसी ठीक है ये डेलिकेटेड लाइनिंग होती है इस लाइनिंग होती है कैविटी की माउथ ईसोफेगस नोस पेरिकार्डियम एल्ब्यूलाई और भी अदर्स ब्लड वेसल्स आर कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन जो आपकी ब्लड वेसल्स कवर्ड होती है वो टंग और स्किन से कवर होती है yeah. एपिथीलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स अब जो एपिथीलियल अरेंज होती है वो मेनी लेयर्स में अरेंज होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम ओके प्रिवेंट वेयर एंड टीयर इन स्किन जो क्या कहते हैं वेयर एंड होगी स्किन में इस पैटर्न इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेलर्स एपिथीलियम और इस पैटर्न को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेलर्स एपिथीलियम तो ये देखिए यह आपकी सिंपल स्क्मस और ये आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्मस है तो okay. so, ये इस तरीके से so, जैसा नाम से पता चल रहा है क्यूब लाइक सेल्स होंगी फिट क्लोजली होंगी दे आर क्यूब लाइक सेल्स दैट फिट क्लोजली सेल्स लुक लाइक स्क्वायर्स इन सेक्शंस बट प्री सरफेस अपीयर्स एग्जोनल अब इसमें सेल्स जो होंगी वो आपको एक तरीके से स्क्वेयर लाइक सेक्शन होगा मतलब इनको देखेंगे आप तो आपको ऐसे लगेगा कि हमने स्क्वेयर लाइक सेक्शंस रख दिए और ये सरफेस पे अपीयर्स जो होती है वो हैचोनल होती है ओके फ्री सरफेस एरिया होता है इनका और फ्री सरफेस अपीयर्स हेजोनल इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स ये आपको कहा मिलेंगी किडनी ट्यूब्यूल्स में में एंड इन ग्लैंड और इसके अलावा ग्लैंड में ग्लैंड कौन सी होंगी ग्लेंट्स, ग्लेंट्स, ओके इसमें आपको तो देखने को मिल पाओगे इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथीनियम ऑफ गोन अब ये जर्मिनल एपीथीनियम में देखने को मिलेगी आपको जर्मिनल एपिथीनियम कौन सी है एसटीज और एंड ओवरीज ओवरी इट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, सीक्रेशन और इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है एब्जॉर्पन में होता है एक्सक्रीशन में होता है सीक्रेशन में होता है इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इसके अलावा क्यूबोडल एपिथीलियम आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ओके पॉल्यूमर एपिथीनियम कॉल्यूमनर मींस पिलर लाइक एपिथीलियम यानी कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं पिलर लाइक एपिथीलियम की तरह देखिए आप ये पिलर लाइक -like है पिलर लाइक सिंपल कॉल्यूमनर इसको देखिए आप पिलर लाइक है इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टोमक ये स्टोमक की लाइनिंग तैयार करती है ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन फॉर्मिंग म्यूकस मैम्रेन अब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन जो है वो क्या बनाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन को बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाइई विलाई इज प्रेजेंट एंड द फ्री सरफेस एंड टू एंड ऑफ ईच सेल फ्री सरफेस एंड ऑफ ईच सेल ठीक है माइक्रोविलाइई जो है वो प्रेजेंट होगी आपकी फ्री सरफेस ऑफ ईच सेल पर विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन जो क्या करेगी एब्जॉर्ब एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन ओके अब हम बात करेंगे की। तो सेल्स में भी क्यूबिकल और कोलिमनर तो इसमें जो सेल्स हैं वो क्यूबिकल और कोलिमनर तो दोनों हो सकती हैं। ऑन इट्स फ्री सरफेस और कहा होंगी इसकी फ्री सरफेस अब इसकी जो फ्री सरफेस है आर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ फॉर सीलियम अब इसकी जो फ्री सरफेस पर प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे सीलिया ठीक है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवा इन द ट्यूब। अब ये सीलिया क्या वर्क करते हैं ये ओवा को फेलोपियन ट्यूब में ले जाने में हेल्प करते हैं ओके तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड वॉल्यूमर और ये आपकी सीनियटेड एपिथिलियम है ये ऊपर जो है ये सीलिया है, ओके अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की ठीक है द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वाइडली स्पेस लेते हैं और ये जो एम्बेडेड होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं ओके द मेच्योर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ टिश्यू जब मैट्रिक्स मैच्योर हो जाता है तब वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या फंक्शन करना है टिश्यू वाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। अब देखिए वाइट एंड येलो फाइबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें मैट्रिक्स में अब क्या है जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर मैट्रिक्स होता है ओके देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन एंड कीपिंग दैम इन प्लेस इसका जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट को डिफरेंट ऑर्गन्स को और उनको एक जगह पर रखता है ठीक है तो ये काम किसका है कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूड और वेस्कुलर टिश्यू की जब हम बात करें तो उसमें आपका न्यूट्रोपेल आ गए इओसिनोफिल आ गए पेसोपेल आ गए लिम्फोसाइड्स हो गए मोनोसाइट्स हो गए और आपके एरिथ्रोसाइट्स हो गए एरिथ्रोसाइट्स आपके आर हो गए ओके प्लेटलेट्स हो गए आपके ठीक है तो ये फ्लूड और वेस्कुलर टिश्यूज है आपके अब हम बात करेंगे ब्लड एंड लिफ्स की ओके ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड क्या है सबसे पहली बात कनेक्टिव टिश्यू है अगर आपसे कोई कहे कि क्या ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है तो आपको कहना है जी हाँ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है ओके फ्लूट मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग वंडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स अब फ्लूट मैट्रिक्स जो होता है ब्लड वो प्लाज्मा होता है उसमें सेल फ्लोट कर वंडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स सेल को फ्लोट कराता है पॉल्ड कार्पस्कल्स ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स अब ब्लड का काम क्या है ऑक्सीजन लिया उसको ट्रांसपोर्ट करा रहा है सीओ टू हो आर ला रहा मतलब ब्लड जो है वेरियस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सच एज न्यूट्रेटिव सबिस्टेंस गैसेस क्या क्या कर रहा है न्यूट्रेटिव सबिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस को कर रहा है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को कर रहा है हारमोन्स को कर रहा है इसके अलावा और भी बहुत हैं जिनको ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ठीक है अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की फॉर्म 55% ऑफ़ ब्लड, ठीक है ब्लड का 55% है, अब ये बनता कैसे है 90 to 91% आपका वाटर है इसमें 7% प्रोटीन है प्रोटीन कौन सी है एल्ब्यूमिन, पेप्रिनोजिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन है 0.9% इनऑर्गेनिक साल्स है, ठीक है कार्पसकल्स क्या है फॉर्म्स 45% ऑफ पार्ट ऑफ ब्लड ब्लड का फोर्टी फाइव परसेंट पार्टस आपका कार्पस्कल्स का है ओके तो ये आयोप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो अब हम बात करते हैं आर बी सी अगर मैं कहूँ कि आर बी सी नहीं हम यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स की बात करेंगे तो क्या लगता है आपको मैंने सही बोला क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स को ही हम आरबीसी बोलते हैं ओके दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरीथ्रोसाइट्स कंटेनिंग रेड कलर्ड रेस्पायरेटरी अब देखिए ब्लड जो होता है एरिथ्रोसाइट्स इसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं ये रेड कलर का होता है ठीक है पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन अब जिसकी वजह से ये रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है ठीक है दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और ये किसमें हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ले जाकर हमारी बॉडी की जिन जगहों को ऑक्सीजन की जरूरत है ये वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा डब्लू सी डब्ल्यू बी सी को हम ल्यूकोसाइड्स कहते हैं दे आर ऑल्सो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी अब ये सोल्जर है अब आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का बैक्टीरिया वायरस चला गया तो सबसे पहले उस पर अटैक करने के लिए कौन आएगी हमारी डब्ल्यू तो यह हमारी बॉडी में मौजूद किसी भी तरीके के मतलब कोई भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है फॉरन पार्टिकल मतलब बाहर से हमने कोई भी चीज इनहेल कर ली या किसी भी तरीके से कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में गया तो उसको सबसे पहले मारने का काम करेगी हमारी डब्लू ओके दे आर इनरेगुलर ये रेगुलर होती है अमीबॉइड होती है पैगोसाइट सेल्स होती हैं ठीक है पेगोसाइटिक इन नेचर पैगोसाइट सेल्स होती हैं दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया पैगोसाइटिक नेचर है इनगल्फ करेगी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाती है आ जाती है अदर फॉरेन पार्टिकल्स इसके अलावा और भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं हो, उन्हें भी आ जाती है दे आर ऑफ फाइव टाइप्स ये फाइव टाइप्स की होती है ये बात आप याद रखिएगा डब्ल्यू बी सी लिकोसाइड्स जो होती है फाइव टाइप्स की होती है मोनोसाइट्स लिम्फोसाइड्स एसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स ईसिनोफिल्स ठीक है अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट आए तो उसमें एक जगह मेंशन होता है कि आपके ब्लड में किस चीज की कमियाँ तो वो बताते हैं कि वन टू परसेंट तो होनी चाहिए अगर आपकी उससे जीरो पॉइंट फाइव परसेंट है तो मोनोसाइड आपकी बॉडी में कम है तो इस तरीके से आप अपनी ब्लड रिपोर्ट भी देख सकते हैं अगर आपको पता हो मोनोसाइड्सोसाइड बेसोपिल्स न्यूट्रोपिल्स ईस्यूनोपिल्स हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स की आपने देखा होगा जब डेंगू चलता है लोग कह देते हैं अरे इनकी तो प्लेट है यार नहीं ठीक है तो वो प्लेटलेट्स होती हैं जो कम हो जाती हैं दे आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन फ्लोटिंग ऑफ ब्लड ये क्या काम करती हैं हमारे ब्लड को तो फ्लोट करने में वर्क करती हैं ओके okay? अब हम बात करेंगे स्केलेटल टिश्यू के बारे में ठीक है स्केलेटल टिश्यू इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इट इज ऑफ टू टाइप ये टू टाइप का होता है तो ये डायग्राम आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिए कौन कौन से पार्ट है ये आपके सामाएंगे अब हम बात करेंगे बोन की ठीक है मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ सार्ड अब बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो बहुत हार्ड होती है अब आपको सोचिए बोन आसानी से तो टूट ची नहीं गया अगर बोन आसानी से टूट गई तो क्या कहते हैं अब फिर ही क्या तो ये जो हार्ड होती है वो साल्ट की वजह से होती है अब इसमें क्या होता है सच एज सच एज कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है सी ए सीओ थ्री सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट होता है ठीक है एंड अब प्रोटीन ऑसिन इसके अलावा प्रोटीन ओसिन होता है बोन सेल्स जो होती हैं हम उन्हें ऑस्टिव ब्लास्ट ऑस्टिव ब्लास्ट ब्लास्ट सेल्स बोलते हैं आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स तो बोन सेल्स जो है उन्हें हम ऑस्टिव सेल्स बोलते हैं और ये एम्बेडेड होती हैं हार्ड मैट्रिक्स में मैट्रिक्स इज डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ लेमिना फॉर्म्ड मैट्रिक्स जो होता है डेमिला में कंसेंट्रेटेड होता है राउंड होता है सेंट्रल कैनाल के ठीक है सेल्स ऑक्यूपाई स्मॉल बिटवीन द कंसेंट्रिक मैट्रिक्स ठीक है ये कंसेंट्रिक लेयर बना लेता है मैट्रिक्स की द लॉन्ग बोन आर यूज अब जो लॉन्ग बोन होती है वो ऑलो होती है अंदर से खोखली होती है कंटेनिंग कैविटी कॉल्ड अ मेरो जो कैविटी कंटेन करती है उसे मैरो कैविटी बोलते हैं ओके इट इज फुल ऑफ बोन मैरो और ये किस्से भरी होती है बोन मैरो से ये वाला पोर्शन जो है इसकी बात चल रही है अब ये खाली है ये पूरी बोन मैरो से ओके अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की ठीक है दिस टिश्यू इज इलास्टिक लेस हार्डर एज कंपेयर टू बोन इलास्टिक और लेस हार्डर टिश्यू होता है एस कंपेयर टू बॉन इलास्टिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑफ्रिन प्रोटीन अब इसमें जो इलास्टिसिटी प्रेजेंट है वो किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से। सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोप्लास्ट तो सेल्स को हम क्या बोलते हैं कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल्स विच आर वाइडली स्पेस एंड मैट्रिक्स इज री एनफोर्ड बाई फाइबर्स ये वाइडली स्पेस्ड होते हैं और जो मेट्रिक होता है री एनफोर्ड होता है फाइबर से से. से से. कहा होगा बॉन्ड के ज्वाइंट पर देखिए ठीक है बॉन्स इन द नोस नोज में होगा इयर होगी ट्रेकि होगा Larynx होंगे तो ये ये नोज हो गई काट ईयर हो गए आपके ठीक है इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट स्ट्रेंथ पर ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता, देता है ग्रेट देता है टेंसिल स्ट्रेंथ ठीक है आप समझ गए फ्लेक्सिबल बोन है कनेक्टिव टिश्यू आपके इट इज द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग टाइप ठीक है ये डिवाइडेड होते हैं फॉलोइंग टाइप में येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे हम फर्स्ट जो हम बात करेंगे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स इन इट्स मैट्रिक्स मेट्रिक लिगामेंट विच अटैच बॉन्ड टू बॉन्ड अब ये क्या होते हैं वन टू वन अटैच होते हैं ठीक है थीके? अब वाइट फाइब्रस जो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है आपके दे आर वेरी लिटिल मैट्रिक्स इनके पास बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है ठीक है कंटेनिंग अबंडेंट वाइट फाइब्रस फॉर्मिंग लेयर अब ये जो कंटेन करते हैं वाइट फाइब्रस को करते हैं ठीक है थीके? जो लेयर बनाते हैं वाइट फाइब्रस की वो उसकी कंटेनिंग करते हैं और इनके पास बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है बंडल ऑफ दिस बंडल ऑफ बंडल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल टेंडन अब जब ये टिश्यू मिलकर वाइट फाइब्रस टिश्यू मिलकर एक बंडल बना लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे टेंडंस आपने देखा होगा मोच आ जाती है तो हम लोग क्या टेंडन खींच हुए तो ये जो होते हैं व्हाइट फाइब्रस होती है विच अटैचेज मसल्स टू द बोन और ये अटैच होते हैं मसल्स टू बोन्स से मतलब आपकी मसल्स से या आपकी बोन से अटैच ओके okay? इस बात को आप याद रखिएगा अब हम बात करेंगे एरियलर टिश्यू के बारे में इट इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी ये सबसे ज्यादा बॉडी में अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो एरियोलर टिश्यू है दिस टिशू फ ढूंढना है तो आप स्किन और मसल्स के बीच में ढूंढ सकते हो अराउंड ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स के अराउंड ढूंढ सकते हो नर्व्स नर्व इन द बोन मैरो और उसके अलावा बोन मैरो में आप इसे देख सकते हो तो ये आपको एरियर टिश्यू आसानी से मिल जाएंगे अब बात करते हैं एडिकोस टिश्यू के ल्स होती है और ये फिल्ड होती है फैट ग्लोब की इनके पास फैट की कमी नहीं है सेल्स आर कोल्ड एज एडीपोसाइट्स और इन सेल्स को क्या बोलते हैं एडिपो साइट ओके इट इज फाउंड इट इज फाउंड इन सबक्यूटे लेर बिलो द स्किन स्किन के नीचे जो नेयर होती है वह प्रेजेंट होगा अराउंड द हार्ट हार्ट के पास होगा ब्रेन एंड बिलो द आई ब्रेन और आई के नीचे यहां मिलेगा ठीक है इस पोर्शन पर इट फैक्ट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी अब इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं यहाँ हमारे चैनल और ग्रुप दोनों हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमें ज्वाइन कर सको आई होप आप आज हो